प्रतीक्षा भानुप्रिय घमासान.com में आज हम बात कर रहे हैं सरगुजा संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रेणुका सिंह की, जो लगभग 2 करोड़ की आसामी है और उन पर विभिन्न संस्थाओं का 23 लाख रुपए का ऋण भी है। उनके पास एक स्कॉर्पियो, 18 तोला सोना और 55 तोला चांदी भी है। आइए जानते हैं उनके बारे में। भाजपा प्रत्याशी रेणुका सिंह द्वारा शनिवार को एक सेट नामांकन पत्र दाखिल कर दिया गया है। नामांकन के साथ निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप उन्होंने संपत्ति का भी ब्यौरा प्रस्तुत कर दिया है। उनके पास हाथ ही में नकदी 1.5 लाख रुपए के अलावा SBI रायपुर, सूरजपुर, सेंट्रल बैंक रामानुजनगर के बैंक खातों में नकद रकम भी जमा है। भाजपा प्रत्याशी के पास 6 लाख से अधिक का सोना, 22 हजार से अधिक का चांदी भी है। उनके पास कुल 4,60,000 रुपए की चल संपत्ति है तथा 1,49,60,500 रुपए की अचल संपत्ति है। अचल संपत्ति में त्रिपुरेश्वरपुर, केशवपुर, पोड़ी, खड़गांव, पत्रापारा में जमीन, बिलासपुर में फ्लैट, रायपुर में बिल्डिंग भी है। लगभग 2 करोड़ की संपत्ति होने के बावजूद रेणुका सिंह पर 23,08,394 रुपए का कर्ज भी है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में भाजपा प्रत्याशी ने 5,19,330 रुपए, वर्ष 2017-18 में 5,22,382 रुपए का आयकर विवरणी में दर्ज कराया है। उनके पति के पास 73,939 रुपए चल संपत्ति है। भाजपा प्रत्याशी के आश्रित पूर्णिमा सिंह के पास 1,26,604 रुपए, मोनिका सिंह के पास 90,417 रुपए, यशवंत सिंह के पास 73,745 करोड़ रुपए तथा बलवंत सिंह के पास भी चल संपत्ति है। उनके पति के पास 56,32,000 रुपए की अचल संपत्ति है। उन्होंने जो शपथ पत्र प्रस्तुत किया है उसमें उनके खिलाफ एक भी आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं होने की जानकारी दी गई है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।